इन वॉट रेशो, रेशो इस बार गाइड है, रेशो क्या करना है आपको फाइंड करना है, रेशो दिया हुआ नहीं है। इसमें इसने क्या किया, इस बार ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट भी दे दिया और ये पॉइंट दे दिया, बीच में क्या करते हैं रेशो हटा दिया, और रेशो हमें क्या करना है फाइंड करना है। हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन द पॉइंट, अगर आप ए पॉइंट को जिसका वैल्यू है माइनस का 6 और 10 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 8, अगर आप इन दोनों को, ये माइनस का 8, अगर आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते हो तो ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, ये पॉइंट ऐसा है बीच में कहीं पर माइनस का 4 और 6 जो क्या कर रहा है लाइन को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर इधर अलग वैल्यू है, इधर अलग वैल्यू है, डिवाइड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि यहां पर रेशो क्या है, हमें क्या करना है रेशो क्या करना है फाइंड करना है। देखो अगर आपको बिना कुछ भी सॉल्यूशन करना सीधा डायरेक्ट निकालना तो फटाफट आ जाएगा, जैसे देखो ये कितना है 6, मुझे कहां तक जाना है 3 तक जाना है, पहला पॉइंट लेते हैं मगर देखो 6 के पहले कौन आता है 5 के पहले, 4 मिल गया, 4 के पहले फिर माइनस का 1 0 फिर 1 फिर 2, बताओ क्या रेशो बना, इधर तो दो लाइन आई, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना है रेशो क्या हो गया 2:7, रेशो हो गया फटाफट। अब देखो एक तरीका और भी है, आप वाई वाले से भी फाइंड कर सकते हो, ये 10 है उधर जाना, देखो ध्यान देना, देखो यहां पर जैसा भी 2 का कहता हूं, यहां 2 डबल डबल गैप दे सकते हो, देखो 10 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, फिर 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 2 गया, इधर रेशो कितना आया 2 और इधर कितना आया 7, रेशो क्या 2:7 हो गया। अब 2:7 हो गया, लेकिन हमें ऐसे फाइंड नहीं करना है, मैंने बता दिया कि भाई ये वाले पॉइंट में, मतलब ये मेरा नंबर लाइन है, ये वाला माइनस का 6 है, ये वाला माइनस का 4 है अगर x को देखेंगे, और ये वाला 3 है, इसके बीच में 2 नंबर है और इसके बीच में 7 नंबर है, ये देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों में प्लस, उल्टा उल्टा करेंगे घटा देंगे 2 का अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है 7 का अंतर है, रेशो क्या हो गया 2:7। रेशो ज्ञात करने के लिए या तो आप x से ज्ञात कर लो या फिर आप y से ज्ञात कर लो। अब देखो हमें रेशो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लेट रेशो, रेशो को हमने क्या मान लिया K:1, क्या मान लिया हमने, आपकी इच्छा है तो K:1 मानो, नहीं तो आप M1 M2 से भी कर सकते हो, M1 M2 गायब है, और रेशो ज्ञात करने के लिए आपको दोनों की जरूरत, दोनों में से किसी एक की जरूरत है, आप x वाले से फाइंड करोगे तो भी रेशो वही आएगा और y वाले से भी वही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आता है। तो देखो अगर आपको यहां पर x वाले से ज्ञात करता हूं, ओनली ये नंबर ले केवल ये वाले से, अगर मैं यहां पर x लेता हूं तो फॉर्मूला क्या होता, M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, आपकी इच्छा है तो M1 M2 ही रखो, आपकी इच्छा तो K:1 भी रख सकते, मर गया है, इसमें थोड़ा इजी हो जाता है, मैं दोनों बता दूंगा आपको, दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक ये करके कर लो और एक M1 M2 से कर लो, देखो इससे ज्यादा इजी रहेगा, ऐसा देखो ध्यान देना, ये कहलाएगा X1 Y1 और ये कहलाता है X2 Y2 और बीच वाला कहलाता है X और Y। हमारे पास सारे वैल्यू दे रखे हैं, एक्स के भी सारे दे रखे हैं, वाई के भी सारे दे रखे हैं, अगर x और y के सारे वैल्यू दे रखे हैं तो आप किसी से भी फाइंड कर सकते हो, अगर x के तीनों वैल्यू दे रखे हैं और y के 3 में से एक भी गायब है तो आप y वाले से फाइंड नहीं कर सकते, x वाले तीनों ही हमारे पास है तो हम इससे रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान लगाना, सबसे पहले x का वैल्यू कितना बताओ, माइनस का 4, कितना है माइनस का 4, M1 M2 में कितना माना है K+1 अपॉन K+1,
आप M1 M2 भी लिख सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि मानना, अभी बता देंगे आपको वो भी करके, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी है। अब देखो F2 X1 कितना है, 3 और -6, ये आया है 3 और ये आया है माइनस का 6। देखो ये तो है आपके माइनस का 4, कुछ नहीं डिवाइड में कितना मान लो 1 मान लो, करो मल्टीप्लाई 3k माइनस 6 एंड k प्लस 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगा, क्या लिखोगे 3k माइनस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 इंटू के करेंगे तो माइनस का 4k, और माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से भी, तो क्या आएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे, k एक तरफ, नंबर एक तरफ, माइनस का इधर भेज दो प्लस, और माइनस का उधर भेज दो प्लस, ये कितना हो गया 7k, और ये कितना हो गया 2, माइनस का कितना आता है 2, घटाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, माइनस किया तो 2 आया, ज्यादा कौन सा आया प्लस वाला, मल्टीपल का जाएगा k का वैल्यू आएगा 2/7। अब यहां कुछ नहीं, क्या मानेंगे डिवाइड में 1 मान लेते हैं, हमें लिखना है के रेशियो 1, तो k के सामने क्या है, 1 के सामने कौन है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, मैंने ये x वाले से किया है, अब y वाले से करोगे तो आंसर वही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, y वाले से करोगे ये आंसर आएगा 4 and 14, फिर काटोगे तो वापस क्या हो जाएगा 2 and 7, क्योंकि यहाँ पर डबल अंतर है ना, थोड़ा गैप डबल डबल, इसलिए वो थोड़ा नंबर ज्यादा बड़ा आएगा, फिर काटेंगे तो वही मिलेगा आपको, लेकिन हमें काटना पड़ेगा नंबर लास्ट में ही आएगा, k के सामने 2 है और 1 के सामने 7 है, तो रेशो हो गया कितना 2:7, ये रेशो, और इंपॉर्टेंट भी है रेशो वाला क्वेश्चन 100% आता है, कोई रेशो में भी 4 तरह क्वेश्चन है, बता देंगे आपको।